हेलो गाइस, वेलकम टू द माय चैनल पावर अप के एपिसोड नंबर 29 के साथ हाजिर हूँ। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है जो सेक्ट लीडर होते हैं उनको बुरी तरीके से चोट लगी हुई होती है और उनका चारों तरफ से खून निकल रहा होता है पूरी पूरी बॉडी में से, और जो मोयो लगाता है वो उनकी तरफ आ जाता है अपनी उड़ते हुए और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ कहीं के। इसको देखने के बाद जो बाकी के जो एल्डर होते हैं वो उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और बोलते हैं, मास्टर क्या आप ठीक हो। और जो बाकी के सेक्ट लीडर होते हैं वो मोयोलंग से बोलते हैं, अब ये सब चीज़ें हम पर छोड़ दो बाकी दो नमूनों को। और तभी जो मोयोलंग आता है वो उससे बोलता है, मैं वाकई में बहुत ज़्यादा बोर महसूस कर रहा हूँ, अब भाई एक काम तुम संभालो इन सब इन चूजों को मारने का, और जब मैं वापस आ जाऊँगा तब मैं तुम्हें रिवॉर्ड देने के लिए बोलूँगा किंग से। और तभी जो मोयोलंग आता है उस मोयोलंग होता है वो उससे कहता है कि अगर हमारे पास ये स्वॉर्ड किंग नहीं है तो इस धरती से इसको डिसअपीयर होना होगा। और सभी के सभी लोग मिलकर उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी उनकी तरफ आने लगती है उसे बचाने के लिए। और तभी हमें दिखाया जाता है एंट्री होती है हमारा हीरो फेंग जिया की, जिसको देखने के बाद सभी के सभी लोग बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हैं। और जो मास्टर होते हैं वो बोलते हैं, अच्छा तो ये फेंग जिया है। और जो फेंग जिया होता है वो उनको देखकर बोलता है, सॉरी मुझे माफ़ कर देना मैं लेट हो गया। इसको देखने के बाद जो मोयोलंग होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और पीछे मुड़कर देखता है, ये फैमिलियर एनर्जी, इसकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा जानी पहचानी से लग रही है। तभी हमें दिखाया जाता है जो फेंग जिया होता है वो एंसेस्टर और सेक्ट लीडर से पूछता है आखिरकार जो मास्टर है वो कैसे हैं। तभी जो एल्डर होते हैं जो उसे रिपोर्ट देते हैं कि जो मोयोलंग है उसके द्वारा हमारे सेक्ट लीडर को बुरी तरीके से मारा गया है और उनकी जो इंजरीज है बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और हमें दिखाया जाता है जो जुओ होती है और जो एंसेस्टर होते हैं वो भी उड़ते हुए वहाँ पर आ गए होते हैं, और वो एंसेस्टर फेंग जिया से बोलते हैं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अभी भी जिंदा है और इन्हें सेव किया जा सकता बचाया जा सकता है। और एंसेस्टर से बोलते हैं, इसका जो दिल अभी भी चल रहा है मैं इन्हें इनकी जान बचाने में मदद करता हूँ, तुम कुछ एनर्जी इनके दिल में जाकर ट्रांसफ़र कर दो जिसके कारण इनका जो हार्ट है वो चलता रहे। ये देखने के बाद जो दोनों मास्टर होते हैं वो अपनी एनर्जी सेकंड लीडर में ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो फेंग जिया होता है वो जुओ से बोलता है, जुओ तो अपनी सबसे ज़्यादा तेज स्पीड का इस्तेमाल करो, हाईएस्ट स्पीड का, और इन सब इन दोनों तीनों लोगों को यहाँ से लेकर निकल जाओ। तभी जुओ होती है वो फेंग से बोलती है, आखिर तुम्हारे बारे में क्या फिर जिया। और तभी फेंग उससे बोलता है, तो मेरे बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। इसको देखने के बाद जो जुओ होती है वो उससे बोलती है, मुझे तुम पर भरोसा है, और वो अपनी फुल एनर्जी का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देती है और बोलती है, अच्छा तो मैं इन्हें लेकर यहाँ से जाती हूँ अब। और हमें दिखाया जाता है वो धरती से ज़मीन के अंदर से जाना स्टार्ट कर देती है। इसको देखने के बाद जो बाकी के जो सेक्ट लीडर्स होते हैं अदर सेक्ट के वो देखकर सरप्राइज होते हैं और बोलते हैं, आखिरकार ये लोग कहाँ गए, वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। और बाकी के सेक्ट लीडर बोलते हैं, हम लोग यहाँ पर बहुत लोग हैं, हम इन्हें यहाँ से भागने नहीं दे सकते, चिंता करने की ज़रूरत नहीं, हम इन्हें मार देंगे जब हम इन्हें पकड़ेंगे तब। और बोलते हैं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी को मार दो, फिर हमें किंग के द्वारा रिवॉर्ड मिलेगा। और तभी जो फेंग जिया है उनकी तरफ देखते हुए बोलता है गुस्से में, क्या तुम सच में इटर्नल वैली के सभी लोगों को मारना चाहते हो। और जो बाकी के सेक्ट लीडर होते हैं वो ज़्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं, ये वही स्कैमर बॉय है, चलो हम इसे मार देते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है वो जो फेंग जिया होता है वो इतनी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि वो लोग नोटिस भी नहीं कर पाते हैं, एक परछाई सी दिखाई देती है बस, और एक ज़ोरदार धमाका होता है वहाँ पर। और जो फेंग जिया होता है उनकी तरफ देखते हुए बोलता है, अगर तुम दूसरों को मारना चाहते हो तो तुम्हें खुद भी मरने के लिए रेडी होना होगा। और जो सेक्ट लीडर होता है वो उससे बोलता है, ये बंदा ये छोटा लड़का अब हमें फिर से चीट करने की कोशिश कर रहा है, इस पर भरोसा मत करना, और अटैक कर देते हैं उस पर मिलकर सभी। और जो फेंग होता है उसकी जो स्पीड है वो मैक्सिमम हो जाती है, जिसको देखकर जो सेक्ट लीडर होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। और जो फेंग है बस एक मुक्का मारता है और उसके आर पार हो जाता है, उसका खून निकलने लगता है सेक्ट लीडर का, और उसकी बैंड वहीं पर बच जाती है। और जो फेंग है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी फुल एनर्जी के साथ उन सभी के सर को खाड़ देता है बस एक पंच से। इसको देखने के बाद जो मोय होता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, इतने छोटे से इतने कम समय में ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और तभी जो फेंग जिया होता है वो उससे बोलता है, अब मैं तुमसे अपना पुराना हिसाब बराबर करने वाला हूँ, जो जो तुमने किया है उसके साथ तुम्हें उसका भुगतान करना होगा। और अपने फ्रोजन टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो मोय होता है वो उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जो फेंग है उसके अटैक को इजीली डॉज कर लेता है और ज़मीन में अपना मुक्का मारता है। इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है, मेरे जो अटैक इसके खिलाफ यूजलेस हैं, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे मेरे अटैक इसके खिलाफ। और तभी जो फेंग जिया होता है उस पर अटैक करते हुए बोलता है, अपनी आंखें खोलो और जाकर देखो मेरी बैटल को अपनी फुल पावर के साथ, इतना ज़्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करता है कि वहाँ पर इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है ना,
कि हर जगह तबाही तबाही मच जाती है और उसके चूर चूर मच जाते हैं और इसको पीटने के बाद बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट बगे लगते हैं वो इससे कॉन्ट्रैक्ट वाले, जिसको देखने के बाद जो मोजुल लगे बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है इसकी एनर्जी देखने के बाद और बोलता है ओ मुझे आज अभी रिमेम्बर अब याद आया, अच्छा तो तुम वही बंदे हो वही छोटे बच्चे हो जो जिसने मुझसे उस बैल के अंदर फाइट की थी, तुम सच में इतने ज़्यादा मास्टर को बस एक ही समय पर मार सकते हो और जो इनमें से कई लोग तो कम से कम दो ढाई लेवल पर हैं, आखिर तुम किस लेवल पर पहुंच चुके हो। और तभी वो फेंगजी उनसे उससे बोलता है तुम इसका आंसर खुद से क्यों नहीं पता लगा लेते, और वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है और बोलता है क्या तुम ओपन लिंचिंग पर हो, और कई सारी बैल वहाँ पर आ जाती हैं जो नेचुरल पावर से बनी हुई होती हैं और हमें दिखाया जाता है जो फेंगजी होता है एट सोल बैल्स का इस्तेमाल कर रहा होता है और जो मो यंग होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है देखने के बाद और बोलता है मैंने अपनी कम से कम 10 साल निकाल दिए उस सोल बैल को कंट्रोल करने के लिए, और लेकिन इस बच्चे को देखो इसने बस कुछ दिन ही निकाले हैं इस बैल को कंट्रोल करने के लिए, भला कैसे हो सकता है ये, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इसने कैसे कंट्रोल किया लेकिन मैं इस बैल को कंट्रोल करूँगा और इसे ले लूँगा, अगर मैंने तुम्हें आज जिंदा छोड़ दिया तो तुम जिनबू किंगडम के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बन जाओगे तो तुम्हें मुझे आज मारना ही होगा, और सीधा जाकर अपनी फुल पावर के साथ उस पर अटैक कर देता है और जो फेंगजिया उसे बस अपने हाथ से उसके अटैक को रोक लेता है बिना किसी परेशानी के, जिसको देखने के बाद जो मौजूदा रहता है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और मन में सोचते हुए बोलता है आखिरकार इसका जो लेवल है वो मेरे अटैक के खिलाफ कैसे रोक सकता है बस इस तरीके से, और तभी जो फेंगजिया होता है उसे बोलता है अच्छा तो तुम ये सोच रहे होगा कि मेरा जो लेवल है वो तुम्हारे अटैक के खिलाफ कैसे रोक सकता है, और तभी मन में सोचता है उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी में वो गुलाब जैसा कुछ बनने लगता है और उसे बोलता है फेंगजिया तुम एक बार फिर से क्यों नहीं देखते हो मेरे तरफ, और बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब बड़ा सा रोज वहाँ पर उग जाता है लोटस, और फेंगजिया उससे बोलता है तुम अपने आप से क्यों नहीं देखते यहाँ पर, ये देखकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है मोयुल लांग बोलता है क्या तुम दो डैंग पर हो, इसका जो लेवल है वो मेरे लेवल से बिल्कुल कम्प्लीट नहीं हो सकता, बस मेरे पास ही यूएन डार होना चाहिए, और उस पर अपनी फुल एनर्जी अटैक करने के लिए तैयारी करने लगता है और फुल पावर से अटैक कर देता है, और फेंगजिया वहीं पर खड़ा होता है बिना किसी परेशानी के, और फेंगजिया उसके अटैक को देखकर हंसने लगता है और बोलता है तुम वो बुढ़े मॉन्स्टर कहीं के, तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे पास भी यून दयाल लेवल है और किसी के पास नहीं, ये देखने के बाद जो यून लॉन्ग होता है बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है और बोलता है ऐसा नहीं हो सकता ये इम्पॉसिबल है, ये सिर्फ मैं हूँ जो इस पूरे जिनबू किंगडम में जिसके पास यह लेवल है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, और तभी जो फेंगजिया होता है वो बोलता है वैसे ये सब छोड़ो मैं तुम्हें अपनी पावर का मजा चखाता हूँ आज, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धमाका होता है दोनों एनर्जी का, और जो मो युलंग होता है वो बोलता है तुम्हारे पास हाईएस्ट लेवल कैसे हो सकता है, तभी फेंगजिया उससे बोलता है अगर तुम्हारे पास हो सकता है तो मेरे पास भी हो सकता है, तभी जो मो युलंग होता है वो बोलता है मेरे पास है लेकिन तुम्हारे पास नहीं है ये पावर, और तभी जो फेंगजिया होता है वो भी अपनी एनर्जी रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और अपनी फुल पावर दिखाता है उसे और स्वॉर्ड बना लेता है अपनी एनर्जी से, और तभी जो मोयुल्ला होता है उससे बोलता है तो क्या हुआ तुम इस लेवल पर हो, मैंने इस लेवल पर कम से कम 10 साल निकाल दिए हैं और मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है और तुम तो अभी इस लेवल पर आए हो तो मुझे नहीं हरा सकते, अपना स्केलेटन पावर का इस्तेमाल करता है और जो फेंगजिया है वो भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है और सीधे जाकर उसके स्केलेटन को टुकड़े टुकड़े कर देता है, और इसके कारण उसके मुँह से खून निकलने लगता है और उसकी जो मॉन्स्टर बनाया होता है स्केलेटन वो टुकड़े टुकड़े हो गए होते हैं, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है ये देखकर जो मोयुल्लंग होता है, और जो फेंगजिया होता है उससे बोलता है मोयुल्लंग अब गिव अप कर दो तुम मुझसे नहीं जीत सकते, और जो मोयुल्लंग है वहीं पर हंसना स्टार्ट कर देता है, और जो मोयुल्लंग है वो भौंरा जाता है और बोलता है तुम अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तुम मेरे साथ मारे जाओगे, और बोले लगता है जो मेरा वेपन है वो नेचुरल पावर को नेचुरली खा सकता है तुम अब बचकर नहीं जा सकते, तुम अब ईजिली मेरे हाथों से मारे जाओगे, और एक बॉल सी बन जाती है हड्डी सी इनकी, ये देखने के बाद जो फेंगजिया उसकी तरफ देखता है और घूमने लगता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड खत्म होता है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अच्छा तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।